अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हनी चिंगी पटैटोस। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है, आप सबको घर में बहुत पसंद आएगी। तो उसके लिए मैंने ये 3 से 4 आलू ले लिया है, इसे मैंने स्लाइस फ्रेंच फ्राइज़ की जो साइज़ होती है उसमें मैंने कट कर लिया अच्छे से। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से नमक डाल दीजिए, और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसे बॉईल करने रख दिया है। अच्छे से आप बॉईल कर लोगे तो कैसा है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जो आपके आलू है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छे से इसे ड्रेन कर लीजिए, पूरा इसका पानी जितना आप निकाल सकते हो उतना आप अच्छे से निकाल लीजिए। अच्छे से ड्रेन कर करके निकालिए, अच्छे एक कॉटन के कपड़े में आप अच्छे से इसे निकाल लीजिए ताकि इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा जो भी पानी रहेगा वो सब पूरा ड्रेन हो जाए। ये देखिए मैंने सारा अच्छे से निकाल दिया, अच्छे से छान छान के पूरा, अच्छे से पूरा एक्स्ट्रा पानी जितना भी है सब निकाल लीजिए। अब एक हम कॉटन का क्लॉथ लेंगे, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। अब एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए आप, अच्छे से ड्राई कर ले हम इसको पूरा, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह रहेगा वो सब आपको निकाल देना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ये, अगर आप दोपहर में करोगे, आफ्टरनून में करोगे, और आप इवनिंग में आप फ्राई वगैरह कर लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, तब तक हमारे जो ये क्रिस्पी एकदम अच्छे से हो जाएंगे ये। तब तक इसको अच्छे से ड्रेन करना है आपको कॉटन के कपड़े में, देखिए पूरा फैला लीजिए। फैलाकर आपको अच्छे से इसे कपड़े से पोंछते जाना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ऐसी फ़ैन के नीचे या कोई भी ऐसी खुली जगह पर रख दीजिए ताकि इसका पानी वगैरह एक्स्ट्रा जो भी रहेगा सब निकल जाए। हमें फ़ौरन बनाना था तो हमने कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसे ड्राई कर लिया है। ये देखिए अच्छे से आप इसे पोंछ दीजिए, पूरा पूरा जितना भी इसका पानी रहेगा एक्स्ट्रा सब अच्छे से निकाल लीजिए। हल्के हल्के हाथ से कीजिए, ज़्यादा जोर नहीं लगाना वरना सब आपके आलू वो हो जाएंगे। देखिए मेरे आलू कितने अच्छे हुए हैं। इससे क्या होता है, जब हम फ्राई करेंगे तब हमारे आलू बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए मैंने ऑयल लिया है, ऑयल भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 3 से 4 चम्मच आपको ऑयल लेना है, और इसे फ्राई कर लेना है अच्छे से, आपको फ्राई कर लेना है इसे। देखिए मैंने तेल भी बहुत कम रखा है, बहुत कम तेल में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अभी ये बहुत ही ज़्यादा आप जब फ्राई करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप अपनी फैमिली के साथ मज़े से इसे बनाकर खाइए, फटाफट से बन भी जाती है। ये देखिए कितने क्रिस्पी मेरे सारे जितने भी थे फ्राई हो गए। उसी में इसे थोड़ा ऑयल बचाता था उसी में मैं अपना चॉप लहसुन है जो वो मैं डाल दूँगी। ये देखिए मैंने चॉप लहसुन ले लिया था, इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, अच्छे से ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ये पिंक हो जाए बस उतना ही हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, और 2 से 3 ड्रॉप आपको विनीगर डालना है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून टमाटो केचप डाल दूंगी, और इसमें 1 चम्मच पूरा भर के आपको सिजॉन चटनी डालना है। बस इसे मैंने डाल दिया है, अब अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे, बहुत टेस्टी रेसिपी है, झटपट सी बन भी जाती है, और हम सबको बहुत बहुत मज़ा आया था खा के। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। आपको इसे फास्ट फ्लेम पे ही पकाना है, स्लो नहीं करना है फ्लेम। चाइनीज़ का फ्लेवर, चाइनीज़ जब भी हम बनाते हैं कुछ चाइनीज़, तो आपको इसको फास्ट फ्लेम पे ही बनाना चाहिए। ये मैंने डाली हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
चाट मसाला डालने से आपका जो आलू का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। बस अब इसमें हम आलू डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये तैयार हो गया। बहुत ही देखिए आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन भी जाती है और हम बहुत बहुत यम्मी और डिलीशियस रेसिपी है। आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय करके इसे खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid to